हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लासिक साइंस चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 की जितने भी एक्सरसाइजेस थे मैंने करा दिया था, और आज हम चैप्टर 5 की एक्सरसाइज करेंगे। तो बच्चों देखिए, आपको क्लासिक्स के अंदर बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे। आपको एनसीईआरटी बुक एक्सप्लेनेशन की अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, क्वेश्चन आंसर की अलग प्लेलिस्ट मिलेगी। अगर आप और अपने स्टडी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको एस चंद बुक की भी एक्सप्लेनेशंस आपको इसी चैनल के अंदर मिल जाएगी। एस चंद बुक के लिए आपको अलग से एस चंद बुक आपकी थ्योरी एक्सप्लेनेशंस की एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, और उसके क्वेश्चन आंसर की अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी। तो आप अगर अपने स्टडी को और थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते हैं, एनरिच करना चाहते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप सुल्तान चंद बुक की भी एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एक्सरसाइज क्वेश्चन। मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, Why do we need to separate different components of mixture? Give two example. तो यहां पर आपको बताना है कि हमें सेपरेट करने की क्या जरूरत पड़ती है अलग अलग कंपोनेंट्स को मिक्सचर्स के अंदर के, और इसकी दो एग्जाम्पल दे के भी आप समझाइए। तो देखिए कैसे स्टार्ट किया जाएगा। बिफोर यूजिंग ए सब्सटेंसेस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस दैट मे बी मिक्स विथ इट। तो जब भी हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को, यूज़ करने से पहले हमें क्या ज़रूरत पड़ता है, हमें जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है या जो हमारे नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस है, जो हमारे ज़रूरत के नहीं है, उसे हम मिक्सचर से सेपरेट करते हैं। कभी कभी क्या होता है, सम टाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली। और कभी कभी हमारे जो मिक्सचर्स के अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो दोनों ही यूजफुल होते हैं, सारे यूजफुल होते हैं, लेकिन हम अलग अलग उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसके वजह से हम उसे अलग करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आपको समझाना है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि दो एग्जाम्पल भी दीजिए। तो एग्जाम्पल देते हैं हम, ये देखिए यहाँ पर दो एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, वी यूज टू सेपरेट स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक द पीसेस ऑफ डर्ट स्टोन एंड हस्क फ्रॉम द व्हीट राइस और पल्सेस बाय हैंड पिकिंग मेथड। तो हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, इम्प्योरिटीज इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारे जैसे हमारे दाल वगैरह में आ जाती है, तो उसे हम अलग क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो कुछ धूल मिट्टी रहती है, कंकड़ रहता है। अच्छा, हस्क का मतलब होता है भूसा, ये सब भी रहते हैं, जैसे कि हमारे गेहूँ हो गए, राइस हो गए, दाल हो गए, तो इसे हम हैंड पिकिंग करके सेपरेट कर लेते हैं। ये तो पहला एग्जाम्पल है, क्योंकि हमें ये सब चीज़ नहीं चाहिए, डर्ट स्टोन हस्क ये हम अनवांटेड मटेरियल है, जिसके वजह से हमें सेपरेट करना पड़ता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग वी व्हेन वी ऐड वाटर टू दिस द इंप्यूरिटीज लाइक डस्ट एंड सॉइल पार्टिकल गेट सेपरेटेड। तो जब भी हम दाल या पल्सेस हो गया या फिर आपकी राइस हो गए, ये सब कुक करते हैं, तो कुक करने से पहले हम कितने जगह से ये होके आता है, मंडी से, खेतों से, तो इसमें बहुत सारे कचड़े और गंदे होते हैं, जिसको हम धो करके उसे हम अलग कर लेते हैं, ताकि उसके जो धूल मिट्टी होती है वो पानी में धुल जाती है और ये हमारा जो इम्प्योरिटीज़ है निकल जाता है, और जो फ्रेश चीज़ होता है उसे हम कुक करते हैं, तो इसके वजह से भी हम सेपरेट करते हैं। तो ये दो दो एग्जाम्पल हो गए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना है आप देखो, व्हाट इज विनोइंग एंड वेयर इट इज़ यूज। विनोइंग क्या है और ये कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, इसका जवाब देख लेते हैं। विनोइंग इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। यहाँ पर दो चीज़ देखने की चीज़ है, जो विनोइंग प्रोसेस है ये इस्तेमाल कब किया जाता है, जब मिक्सचर के अंदर एक लाइटर कंपोनेंट और एक हेवियर कंपोनेंट होता है, एक भारी चीज़ होता है और एक बहुत हल्की चीज़ होता है। ठीक है, दोनों के वजन में जब अंतर रहता है तभी हम ये विनोइंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। और कैसे इसको हम सेपरेट करते हैं, बाय विंड और ब्लोइंग एयर।
ठीक है, विंड के मदद से हम इसे सेपरेट करते हैं। इससे होता क्या है, इट इज यूज टू सेपरेट हस्क पार्टिकल फ्रॉम सीड और ग्रेन। तो ये इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, सेपरेट करने के लिए क्या चीज की, हस्क जो भूसा होता है, और हमारे जो सीड ग्रेन के अंदर जो भूसा होता है, तो भूसा जो होता है बहुत हल्की होती है और सीड ग्रेन भारी होती है। तो हवा, जब हम हवा के मदद से जब उसे विनोइंग करते हैं तो भूसा क्या होता है, उड़ के अलग हो जाता है और हमारे जो फूड ग्रेन्स है वो हमारे रह जाते हैं कंटेनर में। तो इस तरह से विनोइंग प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा विनोइंग क्या है और ये कहाँ पर यूज होती है। चलिए नंबर थ्री की तरफ बढ़ते हैं। नंबर थ्री में देखिए क्या है, How will you separate husk or dirt particle from a given sample of pulses before cooking? तो आपको कुछ pulses दिए गए हैं, कुछ दाल दिए गए हैं, उसमें से आप कैसे separate करेंगे, उसके अंदर के जो भूसा है, husk है, या फिर कोई dirt particle है, तो आप कैसे separate करोगे। बहुत ही आसान सा जवाब है। देखिए, husk और bigger pieces of dirt particle can be removed from a sample ऑफ पल्सेस बाय हैंड पिकिंग। देखिए, हस जो है, भूसा जो है, लकड़ी वगैरह जो होते हैं, ये थोड़ा बड़े होते हैं और हमें दिखाई देती है कभी कभी, जो मिट्टी होती है दाल के अंदर में, तो ये मिट्टी भी हमें दिखाई देती है। तो इसे हम सिंपली हैंड पिकिंग करके हम इसे अलग कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, यहाँ पर देखिए, वाट इज सीविंग एंड वेयर इट इज यूज, वाट इज सीविंग एंड वेयर इट इज यूज। चलिए इसका भी जवाब हम देख लेते हैं। सीविंग इज द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट साइज। तो देखिए, जो सीविंग है ये क्या है, एक प्रकार के फिल्टर करने का तरीका है, जहां पर कि आपको डिफरेंट साइज के, अलग अलग साइज के मिक्सचर अगर मिले हुए हैं। सीविंग अलाउ द फाइन पार्टिकल टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव वाइल द बिगर इम्प्यूरिटीज रिमेन ऑन द सीव। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे हम आपको सेपरेट कर रहे हैं बिगर पार्टिकल और स्मॉलर पार्टिकल, तो सीविंग मतलब कि एक जो छलनी होती है, ठीक है, छलनी से क्या होती है, जो बिगर पार्टिकल है वो आपकी छलनी के ऊपर रह जाती है और जो स्मॉलर पार्टिकल है साइज में जो छोटे हैं वो होल, सीव के जो होल होती है, होल से नीचे चले जाते हैं। सीविंग इज यूज, अच्छा दूसरा पार्ट देखिए, यह जो है वेयर इट इज यूज, पहले तो हमने देखा कि व्हाट इज सीविंग, अब हम देखेंगे कि वेयर इट इज यूज, कहाँ इसकी यूज होती है। सीविंग इज यूज इन द फ्लोर मिल टू सेपरेट द ब्रोकन पार्टिकल ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द फ्लोर। तो ये सीविंग खास करके इस्तेमाल कहाँ पर होता है, आपकी फ्लोर मिल, आटे के चक्की जहाँ पर होती है ना, वहाँ पर गेहूँ पिसाने की जो मशीन लगी होती है वहाँ पर यूज होता है। किस चीज़ के लिए यूज होता है, सेपरेट करने के लिए जो ब्रोकन पार्टिकल्स होते हैं फ्लोर से, आटे से जो ब्रोकन पार्टिकल होते हैं, जो टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे जो नहीं अच्छे से नहीं पीसते, उसको हम अलग करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज एट कंस्ट्रक्शन साइट टू सेपरेट द लम्ब्स स्मॉलर स्टोन्स फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सीमेंट। अच्छा, आप लोग ये और कहाँ पर यूज होता है, आपकी कंस्ट्रक्शन साइट में जहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है। आपकी जो रेत होती है ना, सैंड से आपकी स्टोन्स वगैरह हो गए या और कुछ कचड़े हो गए, उसको निकालने के लिए ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। सैंड और सीमेंट में अगर कचड़े हो जाते हैं, बड़े पार्टिकल्स रहते हैं, तो वो अच्छे से कंस्ट्रक्शन काम में क्या नहीं हो पाता है, जिसके वजह से उसे अलग किया जाता है। तो ये होता है सीविंग का यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, ठीक है, यहाँ पर हमको क्या करना है, देखिए, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। आपको अगर सैंड दे दिया गया है और वाटर दे दिया है, उस दोनों के मिक्सचर को आपको अलग करना, सैंड को अलग करना है और वाटर को अलग करना, बहुत ही आसान तरीका है। कैसे आप अलग करोगे, देखिए यहाँ पर, टू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। हमें अगर सेपरेट करना है वाटर और सैंड को, उसकी मिक्सचर को, तो हम जो तरीका अपनाएंगे वो नीचे दिया गया है, फॉलोइंग स्टेप्स। मतलब सबसे पहला स्टेप्स क्या है, देखिए, स्टेप नंबर वन, लीव द मिक्सचर टू स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम इन ए कंटेनर। एक बर्तन में आप वो सैंड और वाटर का मिक्सचर को लीजिए और कुछ देर तक उसे बिना डिस्टर्ब किए, अनडिस्टर्ब करके छोड़ दीजिए। इससे होगा क्या, सैंड सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। जो सैंड होगा, रेत होगा, वो कंटेनर के नीचे बर्तन में बैठ जाएगा और इट इज़ कॉल्ड द सेडिमेंटेशन। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। क्या बोलते हैं इसे,
सेडिमेंटेशन, जो द सेटलिंग डाउन ऑफ द इम्प्योरिटीज एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इज नोन एज सेडिमेंटेशन। अच्छा, उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम, जेंटली पोअर द वाटर इन एनदर कंटेनर दैट इज कॉल्ड द डिकेंटेशन। तो फिर धीरे 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 जो ऊपर की जो पानी है, फ्रेश पानी है, उसे हम अलग बर्तन में डाल के सेपरेट करेंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन। अच्छा, लास्ट और चौथा स्टेप आपका क्या होगा, वी मे ऑल्सो यूज फिल्टर पेपर टू रिमूव फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड दैट इज कॉल्ड द फिल्ट्रेशन। अच्छा, ये जो साफ पानी हमने ऊपर में निकाला है आपकी जो डिकेंटेशन करके, अभी भी इसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि पीने लायक नहीं है पानी, उसे फिर से अगर हम अच्छे से उसको पार्टिकल्स को निकालना चाहते हैं, जो और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर हैं, तो हम क्या करेंगे, उसे फिल्टर पेपर का यूज़ करेंगे। ठीक है, वो जो हमने जो डिकेंटेशन के प्रोसेस में जो वाटर मिला था उसे हम फिल्टर पेपर के मदद से फिर से और हम फिल्टर करेंगे, तो उसमें से जो फाइन पार्टिकल्स होंगी वो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सैंड और वाटर की जो मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर देखिए, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विद व्हीट फ्लोर, इफ यस हाउ विल यू डू इट। दो सवाल है, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, एक लाइन का आंसर है। यहाँ पर बताया गया कि शुगर और व्हीट, ठीक है, शुगर और व्हीट अगर मिक्स हो जाते हैं तो आप व्हीट फ्लोर मतलब कि जो आटा है और आटा के अंदर अगर चीनी मिक्स है तो क्या आप उसे सेपरेट कर सकते हैं, अगर हाँ तो किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है कि ये हम सेपरेट कर ही सकते हैं। तो यस, वी कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ व्हीट एंड व्हीट फ्लोर एंड शुगर। कैसे, थ्रू द सीविंग वी कैन सेपरेट शुगर मिक्सड विद व्हीट फ्लोर। तो ये जो सीविंग प्रोसेस है, छलनी का यूज करके हम क्या करते हैं, चाल करके हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि आटे की जो पार्टिकल्स होती है वो बहुत छोटी होती है और जो शुगर की पार्टिकल है थोड़े बड़े होती है। तो जब हम छलनी का यूज़ करेंगे, ठीक है, छानेंगे, तो क्या होगा, हमारा जो फ्लोर पार्टिकल्स है छोटे वाले वो नीचे आ जाएंगे आटे, और ऊपर में आपके छलनी में क्या रह जाएंगे, आपके शुगर पार्टिकल रह जाएंगे। तो इस तरह से हम शुगर और व्हीट फ्लोर को हम सेपरेट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से, सीविंग तरीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मडी वाटर। ये तो तरीका हमने इससे पहले भी पढ़ा अभी, तो फिर भी देख लेते हैं कि यहाँ पर बताया गया है, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मडी वाटर। आपको एक सैंपल दे दिएगा मडी वाटर का, एक सैंपल दे दिया गया और आपको बताया गया कि यहाँ पर क्लियर वाटर आप निकालिए, मडी वाटर से क्लियर वाटर, तो आप क्या करोगे, आंसर देखते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द क्लियर वाटर फ्रॉम ए मडी वाटर। सबसे पहले ये जो नीचे दिए गए हैं ये स्टेप्स को हम अपनाएंगे आपकी मडी वाटर से क्लियर वाटर को निकालने के लिए। स्टेप नंबर 1, अलाउ द मडी वाटर टू स्टैंड अनडिस्टर्ब इन ए कंटेनर। कोई भी बर्तन में मडी वाटर को हम लेंगे और उसे छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब, मतलब क्या, काफ़ी देर तक तो हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि वहाँ पर जो कचरा है वो नीचे बैठ जाए, ठीक है, सेडिमेंटेशन हो जाए। तो यह पहला तरीका होगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, आफ्टर सम टाइम मड सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा था। तो इसमें होगा क्या, अगर हम थोड़े देर के लिए उसे छोड़ देंगे कंटेनर में मडी वाटर को, तो क्या होगा, वहाँ पर जो जितने भी कचड़े थे वो आपकी कंटेनर के नीचे जम जाएंगे, ठीक है, नीचे बैठ जाएंगे। दिस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। उसके बाद क्या होता है, अपर लेयर इज क्लियर वाटर। अब उसके ऊपर के जो स्तर में जो आपकी वाटर होगी वो क्या होगी, आपकी क्लियर वाटर होगी। पोर द क्लियर वाटर जेंटली इन अनदर कंटेनर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। अब हल्के से बहुत सावधानी से ऊपर की जो क्लियर वाटर है उसे अलग एक बर्तन में आप ढालो, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं साइंस के हिसाब से, ये हो जाता है हमारा डिकेंटेशन। अच्छा, जो आखिरी स्टेप होगा वो क्या होगा, टू रिमूव फाइन इम्प्योरिटीज वी कैन फिल्टर दिस वाटर अगेन विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। अच्छा, अब भी देखिए डिकेंटेशन करने के बाद भी वाटर में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं वो होते ही हैं, वो इम्प्योरिटीज होता है, तो उसे भी हमें अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर का यूज़ करेंगे। फिल्टर पेपर यूज़ करके जो भी फाइन पार्टिकल्स होगा उस वो हम अलग कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपकी फिल इन दी ब्लैंक्स है, तो यहां पर देखिए डायरेक्ट मैं करा देता हूं, ये हो जाती है आपकी फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक, यहां पर जो है ना ब्लू कलर की यहां पर आपकी स्पेस है, जो डैश है वहां पर है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन को, पहले समझते हैं। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड ऑफ पेडी फ्रॉम इट्स स्टॉक्स इज कॉल्ड डैश। सवाल ऐसे है आपका कि ये जो प्रोसेस है सेपरेट करने का सीड, जो है पेडी के सीड और उसके स्टॉक से, ठीक है, तो उसका लकड़ी वगैरह से, तो उसके जो पौधा होता है उससे हम पेडी को अलग करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। हमने थ्योरी एक्सप्लेनेशन में पढ़ रखा है, इसे हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज पोर्ड इन टू ए पीस ऑफ क्लॉथ और क्रीम और मलाई इज लेफ्ट बिहाइंड इट, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो ये जो हम मिल्क से क्रीम को अलग करते हैं, मलाई को अलग करते हैं छान के बॉयल करके, तो ये प्रोसेस को क्या कहते हैं। हमने पढ़ रखा है इसे क्या कहते हैं हम, चर्निंग। चर्निंग का मतलब क्या होता है, ये जो मथना, ठीक है, जैसे दही मथते हैं ना घी के लिए, तो ये प्रोसेस को हम चर्निंग प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, सॉल्ट इज ऑब्टेंड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। ये बहुत ही आसान था, हमने पढ़ा भी है कि सॉल्ट को हम जो सेपरेट करते हैं, निकालते हैं सी वाटर से, कौन से प्रोसेस से निकालते हैं, क्योंकि सी वाटर के अंदर ही आपकी सॉल्ट होता है, तो इसे हम एवापोरेशन प्रोसेस से निकालते हैं। एवापोरेशन जब करते हैं तो पानी एवापोरेट हो जाता है और उसके अंदर की सॉल्ट हमें मिल जाती है, तो एवापोरेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, इम्प्यूरिटीज सेटल्ड एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर वाज केप्ट ओवरनाइट इन ए बकेट, सो द क्लियर वाटर वाज देन पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज इन दिस एग्जाम्पल इज कॉल्ड डैश एंड डैश। मतलब कि जो मडी वाटर का अभी हमने पढ़ा, दो दो क्वेश्चन में इसका हम यूज़ किए, मडी वाटर को अगर हम रात भर एक रात के लिए रख दें बकेट में और दूसरे दिन उसे हम अच्छे अगर दूसरे बर्तन में हम ऊपर वाले पानी को अलग करें, तो ये यहाँ पर हम कौन सा प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, जो पहले हम बर्तन में रख रहे हैं उसे सेटल डाउन होने के लिए, वो हो जाता है हमारा सेडिमेंटेशन, और उसके बाद जो हम प्योर वाटर को दूसरे बर्तन में डालते हैं, ये प्रोसेस को कहते हैं हम डिकेंटेशन। तो आपको दोनों ही लिखना है यहाँ पर, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, दोनों प्रोसेस का हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स भी कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं हमारा ट्रू फॉल्स, या ट्रू फॉल्स में करना क्या है। देखिए, आपको चार क्वेश्चन है और इत्तेफाक से ये चारों ही फॉल्स हैं, मैं बता रहा हूँ क्यों। देखिए, ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। देखिए, आप अगर मिल्क और वाटर है, ठीक है, आपके घर में भी दूध आता होगा, मिल्क और वाटर है, तो ये दोनों को आप सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन करके, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। आप फिल्टर करेंगे तो मिल्क के साथ साथ वाटर भी फिल्टर हो जाता है, क्योंकि मिल्क का पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल दोनों ही सेम साइज के होते हैं ऑलमोस्ट, और दोनों ही मिसिबल होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो हम अगर फिल्टर करेंगे तो ना ही हम मिल्क को अलग कर पाएंगे, ना ही वाटर को अलग कर पाएंगे, तो ये हो जाता है हमारा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मिक्सचर ऑफ पाउडर सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेट बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। देखिए, आपको बताया गया है कि सॉल्ट की एक पाउडर है और शुगर है, सॉल्ट पाउडर और शुगर की पाउडर दोनों अगर मिक्स कर देते हैं, दोनों की पार्टिकल सेम है, ठीक है, दोनों की पार्टिकल सेम है, इसे हम विनोइंग करके सेपरेट कर सकते हैं, तो गलत है। जब हम उसको विनोइंग करेंगे तो वो जो पाउडर पार्टिकल है तो उड़ जाएंगे, दोनों ही पार्टिकल हल्के होते हैं ना, पाउडर जो सॉल्ट के पाउडर और शुगर के पाउडर, तो इसे विनोइंग प्रोसेस से अलग किया नहीं जा सकता, क्योंकि विनोइंग प्रोसेस का यूज़ हम तब करते हैं जब एक बड़ा पार्टिकल होता है साइज में और एक छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है, हल्का और भारी पार्टिकल को हम अलग कर सकते हैं, दोनों की सेम वेट वाले पार्टिकल को हम सेपरेट नहीं कर सकते विनोइंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद द फिल्ट्रेशन। देखिए, सेपरेट करना है हमें किसको, शुगर को और टी को, शुगर और टी को जब हमें अलग करना होगा तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम कर सकते हैं, बिल्कुल भी गलत बात है। ठीक है, हम अगर शुगर डालते हैं तो शुगर पूरे ही तरह से आपके टी में मिक्स हो जाता है, टी के अंदर शुगर पूरा मिक्स हो जाता है, टी के अंदर से हम शुगर को अलग नहीं कर पाएंगे। हाँ, उसके जो आपकी पत्ती होती है, चाय की पत्ती होती है, या तेज पत्ता होता है, या अदरक होता है, उसे हम अलग कर पाएंगे, लेकिन चाय के अंदर जो चीनी हमने मिला दिया, वो चीनी को हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से तो कभी अलग नहीं कर पाएंगे, तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेन एंड हस्क
कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। यहाँ पर देखिए ग्रेन और हस्क जो है, हमारे जो फूड पार्टिकल्स हैं और हस्क है उसके जो भूसा है, इसको हम अलग कर सकते हैं डिकेंटेशन प्रोसेस से। तो ये भी गलत प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस से हम नहीं कर पाएंगे, हम इसको विनोइंग प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। और यह हस्क पार्टिकल बहुत बड़ा है तो हम हैंड पिकिंग करके कर सकते हैं, लेकिन डिकेंटेशन प्रोसेस से हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा फॉल्स। आज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, लेमोनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। लेमोनेड मतलब नींबू पानी, नींबू पानी बनाया जाता है हम नींबू का रस और शुगर को मिला करके, ठीक है, आपकी जो शरबत होती है। यू विश टू एड आइस टू कूल इट। आप चाह रहे हो कि इसमें कुछ आइस मिला दी जाए ताकि वो नींबू पानी जो है कूल हो जाए, ठंडा हो जाए, ठीक है, जिससे हम पीने में उसे अच्छा हो, लेकिन आप चाह रहे हो उसे आइस को मिलाना। तो शुड यू एड आइस टू द लेमोनेड बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर। तो आपका यहाँ पर सवाल है कि आप अगर उसमें नींबू पानी में आप चीनी मिलाना चाह रहे हो, आपकी आइस मिलाना चाह रहे हो, तो आइस को आप शुगर मिलाने से पहले मिक्स करोगे या शुगर मिलाने के बाद मिक्स करोगे। ठीक है, तो आइस मिलाने के बाद शुगर को मिलाओगे या आइस मिलाने से पहले शुगर को मिलाओगे, ये सवाल है। ठीक है, इन व्हिच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिजॉल्व मोर शुगर। और कौन सी केस में आप ज़्यादा शुगर को मिक्स कर पाओगे, मतलब आइस मिलाने के बाद लेमोनेड में आइस मिला के उसके बाद शुगर मिलाओगे या शुगर मिला के आइस मिलाओगे, कौन सा तरीका सही रहेगा। तो बहुत ही आसान है, देखिए, वी शुड एड शुगर बिफोर एडिंग आइस। आइस मिलाने से पहले हम चीनी मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं, शुगर डिजॉल्व इन वार्म वाटर मोर क्विकली देन इन कोल्ड वाटर। और हमने देखा था कि जब हमारे सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बनते थे तो बनने के बाद भी जब हम हीट करते थे तो थोड़े और उसके अंदर में सॉल्यूट को हम डिजॉल्व कर पाते थे, मतलब कि जो वार्म वाटर है कैन डिजॉल्व मोर सॉल्यूट, ये फंडा हमने यहाँ पर लगाया था। तो जब हम आइस मिला देंगे तो वो पानी ठंडा हो जाएगा और उसकी जो डिजॉल्विंग कैपेसिटी होगी वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो वार्म वाटर अगर होती है तो उसमें हम ज़्यादा मात्रा में आपकी जो शुगर को मिला सकते हैं। तो हम आइस बाद में मिलाएंगे, पहले हम क्या करेंगे उसमें शुगर मिलाएंगे ताकि वो वार्म वाटर थोड़ी वार्म रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शुगर घुल जाए। वी कैन डिजॉल्व मोर शुगर बिफोर मिक्सिंग आइस इन वाटर। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा शुगर को घोल पाएंगे अगर हम पहले शुगर मिलाएंगे उसके बाद आइस मिलाएंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल का जवाब क्या है कि आइस आप क्या करोगे, पहले शुगर को मिक्स करोगे उसके बाद आइस को मिक्स करोगे, क्योंकि वार्म वाटर में ज़्यादा हमारे सॉल्यूट घुल जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो क्वेश्चन आंसर था एक्सरसाइज का, सारा नंबर मैंने नंबर 10 तक था इसको करा दिया है और होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।